तेल और टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाने के बाद मुकेश अंबानी की नजरें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के कारोबार पर है। मुकेश अंबानी अब क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बाजार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब अपने मैच के मीडिया राइट्स भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अलग से नीलाम करने का फैसला किया है। खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी इस बोली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ICC साल 2022 की शुरुआत में ही मैच के मीडिया राइट्स की नीलामी शुरू करेगा। ये साल 2024 के शुरू होने वाले साइकिल के लिए होगा। इन मीडिया राइट्स की कीमत 1.7 से 1.8 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। नीलामी प्रक्रिया में ICC उपमहाद्वीप के क्रिकेट मैचों के लिए 4 साल या 8 साल की बोली मंगा सकता है। पिछले महीने खबर थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 4 साल के लिए अलग अलग इलाके के हिसाब से मैचों के ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स बेचने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। अभी तक क्रिकेट राइट्स को लेकर स्टार, डिज्नी इंडिया और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच प्राइस वॉर देखा गया है, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की वायकॉम 18 के शामिल होने के बाद ये मुकाबला और बड़ा होने वाला है। तो वहीं माना जा रहा है कि इस रेस में अमेज़न और फेसबुक भी खेल राइट्स के मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि वे भारत में अपने वीडियो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ICC को मोटी कमाई होने वाली है। ICC को उम्मीद है कि दुनिया के सभी क्रिकेट वाले बाजारों की वैल्यू को मिला दें तो उससे ज़्यादा पैसा भारतीय उपमहाद्वीप से मिलेगा। क्रिकेट के दीवाने भारतीय उपमहाद्वीप के देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे विश्व स्तर के खेल के ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। इससे पहले ICC अपने मीडिया राइट्स के लिए नवंबर में ही प्रक्रिया शुरू करना चाहता था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी योजना बदल दी। BCCI ने घोषणा की कि वे इस साल के अंत तक अपनी सबसे बड़ी संपत्ति IPL के मीडिया राइट्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। BCCI के लिए IPL सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन IPL के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ICC के राइट्स सबसे बड़े खेल मीडिया राइट्स में से एक हैं। 8 साल के इन राइट्स में 2027 और 2031 के 2 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, 4 मेंस T20 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी और 4 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शामिल होंगे। IPL में भी मुकेश अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस खेलती है। इससे अंबानी को जबरदस्त कमाई होती है। मुंबई इंडियंस IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीम है। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू 106 मिलियन डॉलर है, जिससे वह लगातार दूसरे साल IPL की सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बनी है और मुंबई IPL की पहली फ्रेंचाइजी है जिनसे 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। भारत में क्रिकेट का जबरदस्त क्रेज है और मुकेश अंबानी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो भारतीय उपमहाद्वीप के क्रिकेट राइट्स का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते।